हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान की मूवी जवान, जिसे दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुआ 41 दिन का समय हो चुका है। वहीं दोस्तों बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की मूवी मिशन रानीगंज, जिससे बॉक्स ऑफिस पर आज 12 दिन का समय हो चुका है। तो बात करेंगे दोस्तों दोनों मूवी आज कितना कलेक्शन कर रही है, दोनों मूवी का अभी तक का टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना हो चुका है और टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर रही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो कर लेते हैं शुरू। आप लोगों से रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। वहीं दोस्तों अक्षय कुमार और शाहरुख खान को इंडिया का बेहतरीन सुपरस्टार मानते हो तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं अक्षय कुमार की मूवी मिशन रानीगंज के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी को 6 अक्टूबर को रिलीज किया गया था। वहीं इस मूवी का बजट था 60 करोड़ रुपये। इस मूवी को दोस्तों टीनू सुरेश देसाई के डायरेक्शन बनाया गया था। इस मूवी में अक्षय कुमार परिणीति चोपड़ा अहम किरदार में नजर आए थे। इस मूवी को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। बात करें दोस्तों मिशन रानीगंज मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के, तो इस मूवी ने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2,80,00,000 रुपए की कमाई की थी। इस मूवी ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 3,80,00,000 रुपए की कमाई की थी। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी ने पहले हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 17,33,00,000 रुपए कमाए थे। इस मूवी ने 8वें दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 4,75,00,000 रुपए कमाए थे। 9वें दिन दोस्तों इस मूवी ने इंडिया के अंदर 2,05,00,000 रुपए की कमाई की थी। वहीं दोस्तों 10वें दिन इस मूवी ने 2,55,00,000 रुपए कमाए थे। 11वें दिन दोस्तों कल इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 70,00,000 रुपए की कमाई की थी। बात करें दोस्तों मिशन रानीगंज मूवी के आज के 12वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के, तो दोस्तों ये मूवी आज 12वें दिन 60,00,000 रुपए का कलेक्शन कर रही है। बल्कि दोस्तों इस मूवी को एक के साथ एक फ्री का ऑफर मिला हुआ है, फिर भी दोस्तों इस मूवी के कलेक्शन काफ़ी कम निकल कर आ रहे हैं। अगर दोस्तों इस मूवी का कलेक्शन एक के साथ एक फ्री नहीं होता तो दोस्तों ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ देती। अगर दोस्तों इस मूवी के टोटल कलेक्शन की बात कर लें तो अभी तक इस मूवी ने टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 29 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है और टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 40 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। वही दोस्तों अब बात करेंगे शाहरुख खान की मूवी जवान के बारे में। तो दोस्तों जवान मूवी को एटली कुमार के डायरेक्शन में बनाया गया था। वहीं इस मूवी का बजट था 250 करोड़। इस मूवी में शाहरुख खान, विजय सेतुपति, नयनतारा अहम किरदार में नजर आए थे। इस मूवी में दीपिका पाडुकोण का भी जबरदस्त कैमियो देखने को मिला था। बात करें दोस्तों जवान मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के, तो जवान मूवी ने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 74,50,00,000 रुपये कमाए थे। वहीं इस मूवी ने पहले दिन दुनिया भर से दोस्तों 129,60,000 रुपये की कमाई की थी। जवान मूवी ने पहले हफ्ते में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 368,28,00,000 रुपए कमाए थे। इस मूवी ने पहले हफ्ते में दुनिया भर से दोस्तों 660 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। बात करें दोस्तों जवान मूवी की शुरुआती 39 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के, तो जवान मूवी ने शुरुआती 39 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 638,10,00,000 रुपए का कलेक्शन कर लिया था और शुरुआती 39 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1,138,64,00,000 रुपए का कलेक्शन कर लिया था। वहीं दोस्तों इस मूवी ने 40वें दिन कल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 75,00,000 रुपये कमाए थे। वहीं दोस्तों ये मूवी आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 60,00,000 रुपये का कलेक्शन कर रही है 41वें दिन, जो दोस्तों मिशन रानीगंज के मूवी से बराबर है। भाई दोस्तों इस मूवी को कोई भी ऑफर नहीं मिला हुआ है। दोस्तों अभी तक के कलेक्शन की बात करें दोस्तों, अभी तक के कलेक्शन के हिसाब से जवान मूवी ने टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 640 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है और टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 1,141 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। तो दोस्तों शाहरुख खान की मूवी जवान बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो चुकी है। लेकिन दोस्तों आज के कलेक्शन के हिसाब से दोनों ही मूवी बॉक्स ऑफिस से बराबर कलेक्शन कर रही हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने दोनों मूवी देखी हैं तो आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।